पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मेरा नाम शुभम कुमार झा है। दोस्तों, भाजपा अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में खड़ा है। आपने तस्वीरें देखी कि इस प्रकार बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं गए हैं, और साथ साफ तौर पे डॉक्टर दिलीप जायसवाल का स्वागत जो है वह भाजपा का आलाकमान हो और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बिहार भाजपा का मनोनीत किया गया, और उसके बाद से चर्चाएं हो गई कि क्या सम्राट चौधरी पर गाज गिरने वाली है, क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटाया जाएगा, तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। देखिए, भाजपा के कुछ नेतागण कार्यकर्तागण मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर दिलीप जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है, कितनी खुशी है? देखिए, आज हम लोग अपने नए प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने नगर निकाय प्रकोष्ठ का हमारे जो मंच यहाँ बना हुआ है, और अपने अभी नए एयरपोर्ट से निकलेंगे, और हम लोग उनके लिए स्वागत के लिए हम लोग यहीं से हम लोग स्वागत करेंगे। सभी जगह उनका स्वागत के लिए लगा हुआ है, और वहाँ से होते इसी रूट से जाएंगे अपने प्रदेश कार्यालय। तो हम लोग जितने नगर निकाय का प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोग अभी आ रहे हैं, उनका टाइम हम यहाँ रास्ते में सब लोग हैं, हम लोग यहाँ से फूलों को बरसात करेंगे उनके ऊपर, और स्वागत के लिए हम लोग यहाँ। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये पार्टी सर्वोपरि होता है, ठीक ना? और बाकी विशेष रूप से हम लोग का ये सब की जानकारी नहीं है, और वैसा कोई बात नहीं है कि जो आप जिस बात के लिए कह रहे हैं वैसा ही बुनियाद है, ये सब बात ऐसी बात नहीं है। लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए हम लोग स्वागत के लिए का सब लोग हमारे साथ अभी आ रहे हैं, सब लोग हम लोग आइए इधर आइए कुमार जी। लोकसभा चुनाव में सम्राट चौथ कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा परफॉर्मेंस करना चाहिए था भाजपा को, वैसा नहीं हो पाया, और सम्राट चौधरी पर तो गाज गिरनी ही थी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को इसलिए भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सम्राट जी ने बहुत ज़्यादा खुल के भाजपा को रखा है, और भाजपा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। ये हमारी जनता है, कब किसको क्या चुनती है, कब किसको सर पे चढ़ाती है, कब नीचे गिराती है, तो हमारी जनता के ऊपर है। लेकिन हमारे सम्राट जी के तरफ से ऐसी कोई गलतियाँ नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई है कि जिससे हम उनको कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर रुष्ट है, या फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चाहे अमित शाह जी हमारे आदरणीय नड्डा जी उनको नीचे गिराकर किसी और को पद दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दो पद हो सकता है कि हमारी पार्टी का पूरा यही विचार है कि दो पद एक इंसान को न देके दो लोगों को दिया जाए, ताकि पार्टी का जो कार्य है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके और वो जनता तक अच्छे से पहुंचाया जा सके। हमारी जनता के बीच में जो भी चीज़ें जो भी परेशानियाँ हैं वो खुलकर हमारे सामने आए, एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ देकर जो है कि काम न कराए उसको, इसीलिए हमारे आदरणीय मोदी ने दो जगह में उसको डाइवर्ट किया है। हम लोग इसलिए सम्राट जी की न गलती निकाल सकते हैं न किसी को कुछ कह सकते हैं। क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी को हटाना, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को नए प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर देना, क्या कुछ इशारा करता है? क्या काम जो वर्कलोड ज़्यादा था सम्राट चौधरी पर, या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के कारण परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इसको लेकर हटाया गया? 2024 का लोकसभा का तो परफॉर्मेंस पिछले बार की अपेक्षा हम लोग 2 सीट कम जीते, वह हमारी गलती पार्टी का नहीं है, वह काराकाट और हमारे तेज बक्सर या 2-4 सीट गड़बड़ाया है, और यही जहाँ तक सम्राट चौधरी, उन्होंने लोकसभा बखूबी से निर्वाह किया है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोताही नहीं है। अब माननीय सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर 2 सीट के वजह से उनको ज़्यादा व्यवस्था था, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी रहना है और अध्यक्ष भी रहना है, इसी वजह से मुख्यमंत्री का उन्हें मुख्य रूप से जिम्मेवारी दिया गया है बिहार में, और सम्राट जी को अध्यक्ष पद से मुक्त किया गया है, और हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया है। कितनी खुशी है डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष मनोनीत करना? बहुत बहुत बढ़िया है, मैं उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, और पार्टी की ओर से भी धन्यवाद है। हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरह से पूर्व के जो अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी जी थे, ये भी उसी तरह से काम करेंगे। हम लोग 2024 के चुनाव में नवादा विधानसभा में उनको साथ प्रचार प्रसार में भी थे, और वो अच्छा काम हुआ वहाँ, और वहाँ हमारे माननीय विवेक ठाकुर जितने के भी काम किए, इसलिए उम्मीद भी जता रहे हैं कि 2025 में आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो भी जायसवाल साहब के नेतृत्व में अच्छा काम। क्या कहेंगे, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है,
डॉक्टर दिलीप जायसवाल अब आपके अध्यक्ष मनोनीत हो गए हैं, नेतृत्व में कितना अच्छा करेगी पार्टी? सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं धन्यवाद करता हूँ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष बनाया, और इनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। क्या कहिएगा? सबसे पहले जायसवाल सर को बहुत बहुत बधाई, और 2025 का जो चुनाव है उसको अच्छे ढंग से और बहुत विस्तार पूर्वक जो अपना अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अच्छा काम करें और रिजल्ट बहुत बढ़िया हो, जो है यही कहना चाहूँगा मैं। चलिए कुछ और महिला कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहिएगा दिलीप जायसवाल? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में, हम लोग यहीं पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। मोर्चा महिलाएं कितना साथ देंगी भाजपा का इस बार 25 बिहार विधानसभा चुनाव में? सब साथ देगा, ऐसी बात नहीं है, हर कोई साथ देगा, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो जरूर साथ देंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए तो देख सकते हैं किस प्रकार डॉक्टर दिलीप जायसवाल के स्वागत में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नेतागण खड़े हैं। तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार पूरे पटना को सजाया गया है, पोस्टरों से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। आयकर गोलंबर का यह चौराहा है, और देख सकते हैं कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के स्वागत में तमाम कार्यकर्ता जो हैं वह तैयार है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर दिलीप जायसवाल के आने के बाद बिहार भाजपा और कितना मजबूत होगा, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।